एक्स वाई जेड 13, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 है, एक्स की वाई क्यू जेड क्यू 847 है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर तो आपको मालूम होगा, यहाँ पर मैं अगर मैं लिखना चाहूँ कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3xyz, ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसके बराबर होता है। तब यहाँ पर देखो, हमें ये चीज़ गिवेन है, ये चीज़ गिवेन है और ये चीज़ गिवेन है, तो हमें ये निकालना होगा सबसे पहले। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम पहले वाले इक्वेशन से निकालेंगे इसको। यहाँ से देखिए, अगर मैं इनका स्क्वायर करता हूँ दोनों तरफ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 13 का स्क्वायर 169। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना 133 आते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 133 में से, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। अगर मैं दो से इसको काटना चाहूँ तो कटेगा कितने बार में, 18 बार में। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स कितना आ गया आपका, 18 आ गया। अब इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना, इसका वैल्यू कितनी है, 843 है, 843 माइनस का 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आपका 13 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपका कितना है 133 है, और इसका वैल्यू कितना है आपका 18 है। 133 में से 18 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 13 में से 8 जाएगा 5, ये बचा 2 में से 1 जाएगा 1 और ये जाएगा 1, 115। ओके, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा कितना आपका, 13 5 65, 5 6, 13 और 6 कितना होता है 19, और 13 1 14, इसमें से इसको मैं इधर लाता हूँ तो माइनस में हो जाएगा कितना आपका 843, तो ये हो जाएगा कितना आपका 15, 5 में से 3 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा 5 और 14 में से 8 जाएगा 6। तो ये 3xyz की वैल्यू भाई, अगर मैं इसको 3 से काटना चाहूँ तो ये तो कटेगा ही नहीं, कहीं पर हमने गलत किया है क्या कुछ, एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर 847 था ना, 847 था, तो यहाँ पर भी 847 होगा। 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा आपका 8, और ये बचा 8 में से 4 जाएगा 4, 14 में से 6 जाएगा 8। अगर आप 3 से कट जाएगा, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3, 3 6 18, 216। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 216 आ गई, और इसको रूट में करके बोला गया है, यानी कि 3√216 करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा, 6, जो कि माइनस में 6 आएगा भाई, ये भी ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।